बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जेबीज़ किचन एंड एक्टिविटीज़ में वेलकम। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई और मज़ेदार रेसिपी। ये है फरमाइश हमारे एक रेगुलर व्यूअर की, खुर्रम भाई साहब। उन्होंने फरमाइश की थी कि हम उनके लिए चाइनीज़ बिरयानी बनाएं। आई होप कि आज वो बहुत खुश होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा खाना पसंद आता है, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। जी तो आज हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे अपनी रेसिपी की तरफ। चाइनीज़ बिरयानी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें है हमारे पास, वेजिटेबल्स में आ जाती है मेरे पास बंद गोभी, शिमला मिर्च जिनको मैंने काट लिया, बहुत भारी कटिंग नहीं करनी, थोड़ी सी मोटी कटिंग कर ली, ग्रीन शिमला मिर्च और येलो शिमला मिर्च ली मैंने, 300 ग्राम्स चिकन लिया, एक प्याली मेरे पास मटर हैं और गाजरें, मटर और गाजरों को मैंने हाफ डन कर लिया है, हल्का सा बॉईल कर लिया इनको मैंने, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना कि वो बिल्कुल ही गल जाएँ और टूटने लग जाएँ, क्योंकि अभी इन्होंने बाद में भी चीज़ों के साथ पकना है। और सिरका, सोया सॉस चाहिए, ड्राई मसालों में मुझे चाहिए रेगुलर सॉल्ट, चाइनीज़ सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर। एक किलो चावल मैंने बासमती राइस ले लिया और उनको एक घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पानी हमारा गर्म हो चुका है। पानी में हमने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो है 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट, 2 टेबलस्पून रेगुलर सॉल्ट ऐड किया। पानी बॉयल हो चुका था पहले से, अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। दोस्तों, चावलों को पकाने से पहले से कम से कम एक घंटा ज़रूर भिगोया करें। भीगे हुए चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत अच्छा खिलते हैं। चावलों को हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे और अब आ जाते हैं हम अपने बिरयानी के मसाले की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाही में मैं 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये फ्रेशली कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, जो कि फ्रेशली कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करें, वो बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। इसको हम हल्का सा सोते कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा सोते करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे चिकन, साथ साथ अपने चावलों को भी देखते जाएंगे। अदरक लहसुन के साथ चिकन जब पकता है तो वो अदरक लहसुन की खुशबू चिकन के अंदर जाके बहुत ही अच्छा सा जायका देती है। देख सकते हैं कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजरें, जो कि हमने हाफ डन कर ली थी, और साथ ही साथ इसमें मटर ऐड कर देंगे। ताकि सब्जियां अपने पानी में और चिकन के पानी में अच्छे से पक जाएं और एक दूसरे के टेस्ट को एब्जॉर्ब कर लें। इसके साथ साथ अब हम ड्राई मसालों की तरफ आ जाते हैं। ड्राई मसालों में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट और 1/4 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट। रेगुलर सॉल्ट जो है और चाइनीज सॉल्ट जो है, इन दोनों को ज़रा हाथ रोक के डालिएगा, क्योंकि बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी सॉल्टी होते हैं। और हमने चावलों को भी नमक के साथ बॉइल किया है। सब्जियों में अब हम तकरीबन 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे
और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अब हम इन सब्जियों को थोड़ी देर अपने पानी में गलने के लिए छोड़ देते हैं। तवे पे लगा देते हैं 3 से 4 मिनट। आ जाते हैं हमने चावलों की तरफ। दूसरी तरफ चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। चावलों को हमने 2 से 3 कढ़नी पे उतार लेना है। जिस तरह बिरयानी के चावल बॉयल करते हैं, इसी तरह से ये वाले चावल बॉयल होंगे। चावलों को छान के मैंने रख लिया। अब हम अपने मसाले को चेक करते हैं। सब्जियां हमारी गल चुकी हैं, ऑयल बाहर आ गया है। सब्जियों को पहले हाफ बॉयल करने का पर्पस ये था कि उनकी फ्रेशनेस जो है वो बाकी रहे, उनका कलर ख़राब ना हो। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बंद गोभी और शिमला मिर्च। बंद गोभी और शिमला मिर्च को एंड पे इसलिए ऐड किया कि ये सेंसिटिव सब्जियां होती हैं और बहुत जल्दी पक जाती हैं। इसको 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे और ये डन हो जाएगा। एक मिनट तक हम बंद गोभी और शिमला मिर्च के साथ बाकी सब्जियों को पका लेंगे। जी, बिरयानी, चाइनीज़ बिरयानी के लिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो क्या है लेयरिंग। चावल भी हमारे बॉयल हो गए और मसाला भी तैयार हो गया। एक पतीले को मैंने पहले से ग्रीसी कर लिया। अब इसमें मैं लेयर्स लगाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले हम इसमें चावलों की लेयर लगाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन और वेजिटेबल्स का मसाला। फिर से चावलों की लेयर। और फिर मसाले की लेयर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सोया सॉस और सिरका। उसको मैंने मिक्स कर लिया था। तकरीबन 4 टेबलस्पून सिरका था और 2 टेबलस्पून सोया सॉस। फिर से हम एक और लेयर बनाएंगे चावलों की। दोस्तों, अगर आपको मेरा खाना पसंद आता है, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 कप वाटर। पानी ऐड करने का पर्पज़ ये है कि इससे बहुत अच्छी स्टीम बन जाती है और चावल जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से खिल जाते हैं। दस से 12 मिनट के लिए अब हम इसको दम के लिए छोड़ देंगे। जी, चावल जो हैं उनको दम आ चुका है, स्टीम आपको निकलती भी नज़र आ रही है और बहुत ही अच्छे चावल खिल गए हैं हमारे। अब हम आ जाते हैं सर्विंग की तरफ। अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे अपनी राय के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे।
जाते जाते अपने प्यारे वतन के लिए दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।